नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी उड़ान योजना के तहत बिहार एविएशन के क्षेत्र में तरक्की होने वाली है, यानी कि बिहार में अब हवाई क्रांति लाने की तैयारी हो रही है। एक समय था जब बिहार में हवाई यात्रा करना एक सपने जैसा था, और आज एक वक्त है जब बिहार में हवाई यात्रा सुलभ हो गई है। हालांकि इन सब के बीच अब बिहार की हवाई यात्रा और भी ज्यादा बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि अब बिहार के एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है, जिससे अब लोगों की उम्मीद भी बढ़ गई है, जिसके तहत ही 5 एयरपोर्ट को केंद्र सरकार के सहयोग से विस्तार करने की तैयारी हो रही है, जिसमें बिहार के पटना एयरपोर्ट, रक्सौल, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर और दरभंगा एयरपोर्ट को डेवलप करने की तैयारी है। एयरपोर्ट के विस्तार के लिए सरकारी जानकारों की माने तो अगले 4 से 5 साल में लगभग 20,000 करोड़ रुपए के खर्च होने का अनुमान है, और इसकी योजना बनाई गई है। इस बाबत बिहार में हवाई सेवाओं के विस्तार को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हाल ही में एक पत्र भी जारी किया था। पत्र में राज्य में एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात कही गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने की मांग भी की है। साथ ही इन एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने बिहार सरकार से जमीन आवंटन और ढांचागत विकास के लिए जरूरी फंड जमा करने की बात कही है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील की गई है कि वो इसके लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जितनी जल्दी हो सके दे दें। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्तमान समय में इन 5 एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए कई तकनीकों की जरूरत है, जिसका जिक्र केंद्रीय मंत्री ने भी किया है, जिसके तहत उन्होंने पटना एयरपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि इस एयरपोर्ट पर रनवे एक्सटेंशन के लिए 49.5 एकड़ जमीन की बात कही गई है। इतना ही नहीं, केंद्र की तरफ से साझा की गई जानकारी के मुताबिक आइसोलेशन बे, गाइड पाथ और DVOR उपकरण समेत कई योजनाओं का प्रस्ताव दिया गया है। पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अपग्रेड करने का काम पहले से ही चल रहा है। साल 2023 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है, लेकिन रनवे यहां एक बड़ी समस्या रही है। वहीं रक्सौल एयरपोर्ट के विकास के लिए 50 एकड़ जमीन की जरूरत है। ज्ञात हो, भारत नेपाल सीमा के पास रक्सौल शहर से 3 किलोमीटर दूर पंटोका में बना हवाई अड्डा 1960 में बना था। निर्माण के समय दमदम एयरपोर्ट के बाद ये देश का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट था। 1962 के भारत चीन युद्ध में इसका इस्तेमाल भी हुआ। बाद में 1968 में एयर सर्विस की शुरुआत भी की गई, लेकिन 1970 में घाटे और यात्रियों की कमी की वजह से इस सेवा को बंद कर दिया गया। उसके बाद से ये वीरान पड़ा है। खासकर सुरक्षा के नजरिए से इसे अहम एयरपोर्ट माना जाता है। अब तक यह एयरपोर्ट अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा था। खाली पड़ी जमीन को खेती के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। हालांकि अब उम्मीद की एक नई किरण जागी है। वहीं पूर्णिया एयरपोर्ट पर न्यू सिविल एनक्लेव विकसित किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि 1952 में पूर्णिया से नागरिक विमान सेवा की शुरुआत हुई थी। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ान योजना के तहत बिहार पैकेज में पूर्णिया से हवाई सेवा शुरू करने की घोषणा की थी। जमीन अधिग्रहण के लिए राशि भी आवंटित कर दी गई, लेकिन अभी तक जमीन आवंटन का मामला हाईकोर्ट में लटका है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की पहल से पूर्णिया के लोग अब आस लगाए बैठे हैं। वहीं अगर बात हम मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट की करें तो यहां पर 475 एकड़ जमीन की जरूरत है। योजना के तहत मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट को A320 एयरक्राफ्ट के लिए विकसित किया जाएगा। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से यहां हवाई सेवा शुरू करने का वादा किया था, जिसके बाद अब केंद्र सरकार की पहल के साथ ही लोगों की उम्मीदें भी परवान चढ़ने लगी है। वहीं दरभंगा एयरपोर्ट की बात करें तो इसके लिए वर्तमान समय में 78 एकड़ जमीन की जरूरत है, जिसका इस्तेमाल सिविल एनक्लेव और CAT-1 अप्रोच लाइट सिस्टम के तहत किया जाएगा। आपको बता दें कि दरभंगा में NH-57 के बगल में रानीपुर बेला में एयरपोर्ट के विकास की योजना है। नए सिविल एनक्लेव और रनवे विस्तार को लेकर कुल 78 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाना है।
यकीनन यह बिहार के लिए एक बड़ा मौका है, क्योंकि केंद्र सरकार के रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत बिहार के कोने कोने में एविएशन मैप पर लाने की योजना बनाई जा रही है। इतना ही नहीं, बिहार को लेकर केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बिहार सरकार से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संभावना पर भी विचार करने के लिए कहा है, जिसके तहत केंद्र सरकार ने बिहार को पटना और गया एयरपोर्ट का दो विकल्प दिया है। गया से बैंकॉक, काठमांडू और यंगून के लिए उड़ान की योजना है। इसके अलावा पटना से काठमांडू और दुबई के लिए उड़ान की योजना भी है। केंद्र सरकार की नई योजना से उम्मीद है कि बिहार के एविएशन सेक्टर का कायापलट होगा और बिहार वासियों को अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं भी मिलेंगी। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।